मांगणी सा, तो आज के मेरे न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के व्लॉग में क्या क्या होने वाला है ये तो टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो मैं, ऋषभ के पापा और यश्विनी, और ऋषभ के पापा के एक फ्रेंड भी है, तो हम सब जा रहे हैं आज इंद्र भाईसा के। तो टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, 2 बजने वाली है। ऋषभ के पापा गए हैं अपने फ्रेंड को लेने के लिए, बस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मेरे पास आ जाएंगे। और हमारा जो ऋषभ है वो रहेगा अपने काकीसा के पास। तो मुझे एक तो ऋषभ की ड्रेस वगैरह देके आनी है ऋषभ के काकीसा के पास, और सब्जी वगैरह देके आनी है, क्योंकि जो ऋषभ की फेवरेट सब्जी बनी है यहाँ पे, तो ऋषभ के काकीसा भी खा लेंगे, साथ ही साथ ऋषभ भी खा लेगा। तो पैकिंग कर दूंगी सब्जी को भी, और यश्विनी को भी मुझे नहलाना है। बस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा काम मुझे फिनिश करना है। साथ ही साथ एक दारू की बोतल भी निकालनी है, मतलब इंद्र भाईसा के दारू की बोतल ही चढ़ती है, तो ऋषभ के पापा ने ऐसे बोला कि अपने पास घर पे पड़ी है वही ले लेना, तो बस वो भी निकाल लेती हूँ और फटाफट से ये सारे काम फिनिश करती हूँ। सबसे पहले मैं यश्विनी को नहलाने का काम करती हूँ, बाकी तो छोटे मोटे काम है वो बाद में भी। सब्जी मैंने बना के पैक कर दी है, और इसमें मैंने दूध चढ़ाया है यश्विनी को पिलाने के लिए, बस जैसे ही वो नहा के आ जाएगी फिर उसके बाद में मैं ये पिला। यश्विनी ने प्यारी सी फ्रॉक पहनी है ना यशु, तो हेयर ड्राई करने वाली है हमारी यश्विनी अपने आप। चलो हेयर ड्राई करो यश्विनी। ये देखो ये। हाँ हाँ, इसको करना है। यस, अब बालों को करो सही। यश्विनी अब रेडी हो गई नहा धो के। हेलो यश्विनी, लिपस्टिक लगाओ। नेल पेंट बोलते हैं इसको, नेल पेंट भी लगाई है आपने? हाँ, नेल पेंट लग गया। आज यश्विनी की मैंने चोटी नहीं की, मैंने तो क्या, यश्विनी रो रो के बोल रही थी मुझे चोटी नहीं चाहिए। यश्विनी आपको चोटी क्यों नहीं पसंद? ये वाला पसंद है। इस बॉटल मैंने निकाल दी है, अब इसको पैकिंग करना है। यश्विनी चलो आप इसको ले लोगे ना, पहले अपन को काकीसा के घर पे जाना, ठीक है? फिर काकीसा के घर से अपन घूमी घूमी चलेंगे। ओके ओके यशु, इसको रखना फिर चलेंगे। हाँ पहले राजो ऋषभ के ना कपड़े वगैरह भी लेते हैं, वो नहा लेगा वहाँ पे काकीसा के पास। इसको ले लो। हाँ इसको आप ले लो। हाँ, इसको गाड़ी मत लेके आना। इसको आप ना जेजे के चढ़ाना है, ये वाली बोतल किसके चढ़ानी है? जेजे के। आप यहीं पे ही चढ़ा मत देना, मुझे ऐसा लगता है आप यहीं पे चढ़ा दोगे। पी लो। नहीं खराब हो जाएगी लिपस्टिक। लिपस्टिक खराब नहीं होएगी, दोबारा लगा दूंगी। होएगी। तो दूध नहीं पियोगे आप? चलो यश्विनी, यश्विनी आपको पैदल जाना पड़ेगा, पैदल पैदल जाना पड़ेगा। मैं और यश्विनी तो निकल गए, सबसे पहले काकीसा के घर पे जाके ऋषभ की जो ड्रेसेस वगैरह है, बुक्स वगैरह ये देके आएंगे, और फिर वहीं पे ऋषभ के पापा आ जाएंगे, और मैं और यश्विनी जाएंगे इंद्र भाईसा के। कहाँ चलेंगे? इंद्र भाई साहब के। नहीं इंद्र भाई साहब के। हेजू रानी, रानी क्या कर रहे हो? हेजू हेजू का भी गर्मी आ गई है। मैंने भी ड्रेस पहनी लेकिन अंदर टी शर्ट डाल दी मम्मी ने, और ये पजामे। हाँ सुंदर लग रहे हैं हम दोनों। करो, अरे वाह, हेजल को भी डांस आता है देखो। वाह हेजल, आप तो बहुत प्यारी डांस करती हो। तो गाइस मैं रेडी हो गई इंद्र भाईसा के जाने के लिए, और हमारे नीतसा का भी पहले जाने का था, बट नहीं जा सकती। मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं ज्यादा। हाँ ज्यादा हमारे अर्जुन मना है ना, अर्जुन मना अगर जाते हैं ना तो नीतसा पक्का जाते हैं ना। 101% उनको मैं नहीं छोड़ती। तो यार कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ तो अर्जुन मना की आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, तो वो बाहर वाले रूम में सो रहे हैं, तो उस चक्कर में वो नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर ज्यादा भी तबीयत खराब हो जाएगी ना नीता। ठीक है कोई नहीं, अपने पति का ध्यान रखो आप तो। मैं मेरे पति के साथ जाती हूँ। क्या हुआ यश्विनी? चोदा। क्यों? तो आप क्या करोगी यहाँ पे? मम्मी हेजल के साथ खेलोगी यश्विनी, और आज हम घूमी घूमी जाएंगे। चीजी खानी है। फाइनली हम निकल रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देती हूँ, अब अपडेट ये है कि ऋषभ के पापा के फ्रेंड जा रहे थे, बट अब नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? अचानक से मना कैसे किया? बाय काकीशा, काकीशा बाय बाय।
अगर ऋषभ को हम लेके नहीं जाएंगे तो अब हमारी ये तो फैमिली ट्रिप ही हो गई है। पहले अर्जुन मना का जाने का भी था बट अचानक से उनके बुखार हो गई, तो अब नीतसा करेंगे अर्जुन मना की सेवा। सेवा पानी के लिए छोड़ के आए हम नीतसा को। नीतसा का भी जाने के था यार, भी जाता है अर्जुन मना, मैं नीतसा थे, मजा तो आता है यार, है ना। कोई नहीं, अब और भी ज्यादा मजे हैं यार अकेले अकेले जाने में अपने पति देव के साथ। अपन कहाँ पे जा रहे हैं? इंद्रवाइसा के, वैसे तो मैंने बताया इंद्रवाइसा, करणी माता इंद्रवाइसा का जो मंदिर है खुर्द में नागौर के मतलब पास। हाँ दिलाएंगे दिलाएंगे यशविनी, चीजें दिला लेंगे पहले। पहले यशविनी को चीजें दिलाई दो, नहीं तो हालत खराब कर देगी यशविनी। चीजी पै पै चीजी ची चा चू चपड़ ऐसे। मेरे लिए भी लाना कुछ, दो तीन ले आओ यार, दो तीन लो। ये इतनी सारी चीजें क्या क्या लेके आई, चेक कर लो। मेरे को भी दो चाहिए। नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक तो दे दो यशविनी प्लीज। इतनी सी, इतनी सी क्यों ले रहा था मेरे ये इतनी में है, मेरे बड़ी सारी लाओ मेरे को दो, मैं खोल दूँ। बड़ी सारी है तो इधर छोटी नहीं है तो आपकी तो नहीं। आरजे 14 है, खुद ही बनाई है मन लगे। पुरानी गाड़ी को ऊपर को माल उतार दी। डीजल है यशविनी, ऐसे बोलो ऑटो कट कर दो। कुछ खुआओगा अभी के गेलम? कहीं खुआओगा? दही बड़ा बड़ा खा लिया, प्रसाद लिया। प्रसाद की जगह ले आऊंगा, 3000 रुपए दे रखन दो कर जेब दे काम। ऑटो कट में कदी कौन से पा दे रहा है जो? ना ना मैं ऑटो कट में देखूंगा नहीं, देख लो मैं सच में जान। देखो मैं कह दिया ना, और सबको एडवाइस भी दोगी जब भी फ्यूल डलाओ ना ध्यान रखना है। फ्यूल डलाओ ना तो ऑटो कट करवाओ, आ कोई जरूरी नहीं है पर ध्यान रखो जरूर। थे ध्यान रखो मत को रखो नहीं रखो। आलू का चालू चालू बेटे, यशविनी की एक्टिंग करके बताओ। ये आलू की चालू बेटे है, ये इसको देखो आलू की चालू है ये तो। ए आलू की चालू, यशविनी की एक्टिंग करके दिखाओ। आलू की चालू बेटे है ये तो, यशविनी का मजा हो रहा है पूरी सी। सुरज्ञान मन फोन करोगे अगर इंटरेस्टेड है तो? हाँ सुरज्ञान हुआ। हाँ कहीं कर रहे हो? कहीं मन कर रहे हैं। इंद्र भाई साहब चल रही है कि अभी तो निकले हम एक तरह के मान कालवाड़ी पुग गया अभी तो। चलो ठीक है जाओ, आ जैसी ना कितने घंटा पुग जैसे मैं अठाऊ तार कर। हाँ घंटों पर लाग सी। हाँ चल ठीक है फिर, खट्टा मिलेगी रोजीना मिलती बटे ही ना। अच्छा ठीक ठीक है, मन बता दीजिए ना। सुनो मकराना मंदिर लेर चल जो, आज मन फील हुए कि अपना घर मंदिर होना जरूरी है। मतलब इतना ज्यादा मन मेरे कन कमेंट आया है कि नई चीजा मंदिर है ना होना चाहिए ये वो। मकराना का भाटा को ले चलेंगे या फिर लकड़ी को बताओ थे बताओ। पत्थर को मतलब आप लोग घर है ना, मतलब जो जी वॉल पर लगाना चाहिए ना, बा वॉल को नहीं खाली वॉल को पर या क्या सुख बन रहा लटकाना मत दे तो नीचे रखना मत दे रखनो तो फिर या झाड़ू पोछा होवे। हां मतलब कौन सी साइड रखो तो रखवा को भी बताओ तो सुरियो के मन तो कोई सी भी वॉल रहना है जी आसपास या जिस वाला रूम में विंडो के जस्ट पीछे विंडो के नीचे। एक तो थे ने भी ऋषभ वाला रूम में ने थाने ने बात चीज नहीं करवानी,
बस स्लाइड वाली टेबल मान ले खुद नहीं बैठे मान ले गया स्लाइड हो गई अंदर बोल रहा है अंदर करने लगी तो गाइस अभी सोच रहे हैं हम मकराना से मंदिर लेने का मकराना के पत्थर का याद है क्या था कोई एक दिन एक बार है ना वो सैमसंग वाला फोन हो ना मेरे को पेन घुमा दियो मैं इंद्र भाई साला मंदिर का मैंने थन गुस्सा आयो कि बेटे गुस्सा आयो को नहीं हो पर मैं ये क्यों कि था ना जो मंदिर का मैंने मन बेरो एक टपड़ गयो वो जो थे दोबारा गया क्यों नहीं वो कोई नहीं लाते हो तो बार के भी कायम तो किए ही आए हुए अब तो खेल ले सब को ले ले दे देंगे फिक्स कर लेना क्या नहीं तो भी तो टापर ने भी तो बेरो ही कोनी हो है कई चीज है वो ना जी टापर ने ना का मतलब हुए बड़े दिख रहे दिख रहे अच्छा रोड एकदम बिना ट्रैफिक की है जो यशविनी है वो सो गई ज्यादा है वहां पे ना एकदम ज्यादा है मेन मकराना फेमस जो है मार्बल के लिए है जो मार्बल ताजमहल में लगा हुआ वो मार्बल पूरा मकान है अच्छा तो सुरगनवा हमारे पास आने ही वाली है 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने कॉल कर दिया सुरगनवा का जस्ट अभी कॉल आया था कि ऋषभ को भी लेके आई है क्या फिर मैंने उनको बोला कि नहीं यार ऋषभ को तो मैं नहीं लेके आई क्योंकि सुरगनवा शायद दोनों बच्चों को लेके आ रही है दोनों बच्चे है ना ऋषभ की वजह से ही आ रहे थे अब आ रहे नहीं आ रहे वो आगे जाने के बाद में पता चलेगा और हमारी जो यशविनी है वो सो चुकी है ठीक है इसकी थोड़ी सी नींद पूरी हो जाएगी 1.5 घंटे का रास्ता अभी तक बचा है इंद्र भाई सा का 1.5 घंटे का या 1 घंटे का 1.5 घंटे का रास्ता बचा है तो 1.5 घंटे यशविनी हमारी आराम कर लेगी और वहाँ पे जाने के बाद में यशविनी हमारी शान लेने वाली है हैं मुझे पापा ये टॉय भी चाहिए मुझे ये भी चाहिए ये करेगी ये मेरे से नहीं मांगती है ना क्यों मेरे से ये इसलिए नहीं मांगती क्योंकि इसको पता है मम्मा दिलाने वाली है नहीं तो आप सभी को भी इंदर भाई साहब के दर्शन करवाए जाएंगे तो व्लॉग में आप बने रहना और आपने कल वाले व्लॉग में काफ़ी सारे कमेंट किए थे कि भाई साहब आप है ना पूजा किया करो ये किया करो वो किया करो तो आपके जो भी कमेंट है उसको देख के मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ यार पूजा पाठ करनी चाहिए तो सोच रही हूँ मैं मकराना से मंदिर वगैरह लेने का गाइस फाइनली हम मकराना पहुंच चुके हैं और यहां से हम स्वीट्स लेने वाले हैं स्वीट्स के अंदर ऋषभ के पापा की फेवरेट है छन्ना टोस जो कि पता नहीं वो यही बोलते होंगे मुझे नहीं पता अगर आप जानते हो तो आप बता देना मुझे और किस किस ने खाई है ये भी मुझे कमेंट करके बताना और मैं यहां से दही बड़े खाने वाली हूं और ऋषभ के पापा यहां से प्रसाद लेने वाले हैं माता जी के चढ़ाने के लिए और यहां से सुरगनवा की दूरी है 10 से 15 मिनट की आते टाइम देखा ना गुड मॉर्निंग इट्स मॉर्निंग यशु यशु सुरगनवा को बुलाना सुरगनवा चाहिए आपको फिर आप प्यार करोगी मेरे से या फिर सुरगनवा से करोगी ये बताओ मुझे दोनों से नहीं करनी अभी उठी है अच्छा किस है क्या हूं गीड नेरा कट हेयर कितना है इन बच्चा यश अच्छा हटा दूंगी मैं अरे पीछे और बजा देव गज्जू अब आओगी मेरे व्लॉग में जान हां आज जैसी का आज जैसी ना बच्चे आ लड़ बड्डी के ये दोनों बच्चे गनवा की चिपक गई अश्विनी आप तो ये पिंक कलर है ये पर्पल कलर है अच्छा पर्पल कलर है मन के आप पिंक कलर पहन के आई हो आपको कौन सा कलर पसंद है ज्यादा फालूदा खाओ जो को फालूदा खा लियो अब बस 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर कूड़ा जाने वाला है यशविनी पहुंच गए अपन माता जी के तो गाइस फाइनली हम इंदर भाईसा के पहुंच गए और टाइम हुआ है क्या टाइम हुआ देव 5:43 जो हुकुम प्रसाद भी ले लो प्रसाद लो नहीं वो वाला प्रसाद तो लो मीठा भी है ये प्रसाद ने देख रही है जी ललचा रहे हो
नहीं मेरे हस्बैंड पीते नहीं है गाइस। प्रसाद तो ले लेते हैं लेकिन। प्रसाद तो चलो ले लेना, मैं भी ले लूंगी, आप भी ले लेना। चलो यश्विनी जीजे के, चलो प्रसाद पकड़ो, प्रसाद पकड़ो। बस कुछ काम नहीं करती। नहीं ये तो बहुत कुछ काम करती है, कितना काम तो करती है, आपको लेके आई है यहाँ पे। जय माता रानी। सबने मेरे को नास्तिक समझ लिया गाइस, मैं नास्तिक नहीं हूँ। फिर जी दोनों पकड़ो, पापा लगाएंगे। अंदर नहीं जाने देंगे। प्रसाद चढ़ा रहे जीजी के, हाथ जोड़ो आप भी, अपना प्रसाद भी ले आओ। आप पढ़ा नहीं, मुझे तो रही हो यीशु। आप इतनी ऊपर, इतनी ऊपर आप ऊपर चढ़ के क्या करोगे? घंटा बजाओ। जी के दर्शन अच्छे से हो गए और 6:05 हो चुकी है। 6:15 का बोला है कि ये ना आरती वगैरह होगी, तो आप सबको भी आरती वगैरह दिखाई जाएगी। हम वेट कर रहे हैं, आधा एक घंटा जो भी होगा आरती देख के ही जाएंगे। और हमारे जो ऋषभ के पापा है, कहाँ गए आप? कटिन है। अच्छा जीप कन हो गए थे, टायर चेंज करवा दिया ना, तो आज चल भी है कद कद चला है, अच्छा मैं तो जदू है ना इंद्र भाई साहब का लगी होने पैक ही बढ़ते को ऑयल भी गिर नीचे। हां यशविनी तो सुयानवा के चिपेड़ी रहे हो। कलर अब नयो कर दिया ना, और तो ठीक है। तो जयपुर की याद नहीं आई आवे और ऋषभ की था कि अच्छा, तो कोई बात नहीं। और अरे गज्जू को है ना, हमारे घर में जो क्रॉकरी है ना जो प्लास्टिक की है, गज्जू को वो पसंद नहीं है। हाँ। कि धनप्रीति जी जो सूप बनी होगी, ये सुनो बाहर लग के आओ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ज्ञान भाई ये सोचो चल चप्पल चोरी ना हो जाएगी। ये सुनी गाड़ी मुँह क्या 12 पड़ी जगह ले रही है। सुज्ञान भाई देख ले कितना ध्यान रखे, ऋषभ नहीं आया, ऋषभ की याद आ रही है ना। अब जयपुर का 10 एग्जाम के बाद में जी आप ही रुका 4-5 एक बार। आपने भी कैप लगा दी जीजी की, ये जीजी की कैप है यशविनी। तो गाइस फाइनली आप सबको भी मैंने आरती दिखा दी, और मम्मा को मतलब मेरे जो जोड़ी वाले मम्मी हैं उनको मैंने वीडियो कॉल करके आरती के दर्शन करवाए थे। मम्मा ऐसे बोल रहे थे कि मेरी भी प्रे करना कि भाई मेरे ना जो दर्द वगैरह वो सही हो जाए, और साथ ही साथ पापा भी पास में बैठे थे, तो मम्मा ने पापा के भी दर्शन करवा दिया। अब मैं चिराना वाली मम्मी को भी कॉल करूँगी और उनको भी माता रानी के दर्शन करवाऊँगी। अब मैंने चिराना वाली मम्मी को कॉल किया है, और मम्मी के क्या नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी गांव की वजह से, तो शायद मम्मी को दिखा नहीं दिखा वो तो नहीं पता, घर पे जाके ही पूछूंगी। चले थक बाप बेटी को जबा को मन कौन दिखे।
अच्छा विश्राम लिया करे ना। हाँ यहाँ बैठो यशविनी, यहाँ पे विश्राम लेंगे अपन सब जने। यहाँ बैठो। आपको जे जे अच्छा लगा यशविनी? हैं? टॉय? गाइज मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही, यशविनी हमारे बिना टॉय के मानने वाली नहीं है। ये टॉय मिल गया। ओ इतने सारे टॉकी। फोन करेंगे पापा को, फोन मिलाओ यशविनी, पापा को फोन मिलाओ इसमें से फटाफट। हेलो पापा, ऐसे बोलो गाड़ी लेके आ जाओ हमारे पास। हम आ गए यहाँ पे। हाँ यशविनी, अब हम जयपुर जा रहे हैं। जयपुर? हाँ जयपुर जा रहे हैं। आपके लिए चॉकलेट लेऊंगी रास्ते में से। ठीक है मम्मी। हाँ ले लूंगी मैं। ठीक है आपके लिए कौन सी चॉकलेट लेनी बता देना। गाइस अभी हम मकराना पहुँच चुके हैं। हेलो यशविनी, कुछ नहीं कर रही मैं, यशविनी से बातें कर रही हूँ फोन पे। गाइस हम जयपुर वालों को पारस से ना दही बड़े दिला के फिर हम उतरेंगे गाड़ी से। अच्छा पारस वाले दही बड़े दिलाओगे क्या? हाँ। तो आपकी जर्नी यही फिनिश हुई है? हमारी यही होगी। और ये यशविनी जब से इसने फोन लिया है ना दिमाग खराब करके रख दिया। अच्छा रे वो पुपाड़ो को लियो। हाँ नहीं जाती। हाँ नहीं बहुत अच्छी हो। तो गाइस फाइनली मकराना आ चुका है और यहाँ पे एक पुलिया के नीचे की साइड है एक पारस मिठाई वाला है। पारस स्वीट्स। अच्छा पारस स्वीट्स के नाम से एक। अच्छा यहीं से दिखेगा क्या? और हम यहाँ से खाएंगे दही बड़े, यहाँ की फेमस है। दही बड़ा काजू कतली खानी है। खुश रहो। ठीक है सुजानवा बाय। धोक बाय दिशा बाय। नहीं ऐसे कौन होते हैं? तो मैं आ रही हूँ ना, जयपुर आ जाएगी। वहाँ पे मिल रही हूँ। जो आ जो अब आज बाय कर दो। तो गाइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई जाते वक्त ना हम लेके जाएंगे मंदिर। तो अभी तक हमारा मंदिर फाइनल नहीं किया है। ऋषभ के पापा को तो दूसरा अच्छा लग रहा है बट मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है। मतलब इसकी जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा वैसे बड़ा भी नहीं है, छोटा सा क्यूट सा लग रहा है। और यशविनी भी हमारी इसी को यहाँ कर रही है तो इसको ही हम पैक करवाने वाले हैं। ऋषभ के पापा को मुझे कन्विंस करना है। तो उस वाले मंदिर की चल रही है सफाई और 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके और पैक करके हमारे साथ भेजेंगे भैया। चलते हो ना तो ये वाला देखो, ये वाला मंदिर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो मीना का काम किया हुआ है इसमें और हमारा वाला मंदिर वहाँ पे पैक हो रहा है। और आपने काफ़ी सारे कमेंट किए आज तो फिर मैंने भी सोचा कि नहीं यार आपने सही बोला है, सही एडवाइस दी है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और आज जाके उद्दा जगह है वो, मम्मी बोला ना उद्दो जाग गयो। थैंक यू सो मच का मैं बॉडी लड़की सही राह दिखाने जा रहा है ना। हाँ? मैं थन कद कह रही हूं आज मेरी जैसी बावड़ी लड़की ना थे राह दिखाई अच्छी। ऋषभ पापा थैंक यू बोल रहे थे सबसे ज्यादा। मम्मी को सॉरी बोलो, आप सबको बोल रही है मम्मी को सॉरी बोलो। आप आपने इतना इतना कुछ सुनाया मम्मी को। यशविनी क्या बोल रही है? मम्मी को सॉरी बोलो। यशु आप सबने तो मेरे को नास्तिक ही समझ लिया है, सुन रहे हो? मेरी जो ऑडियंस है ना वे तो मैंने नास्तिक ही समझ लियो, जैसे कोई मैंने कभी पूजा की ही नहीं। गाइज ऐसा कुछ नहीं था। तो गाइज आप देख सकते हो मंदिर को हमने कुछ इस तरीके से पैक करवाया था बट इतना भयंकर वाला एक ब्रेकर आया उसकी वजह से ये ऊपर जाके फिर से नीचे गया। तो अब पता नहीं यार मतलब कोई उजाड़ वगैरह नहीं हो जाए। बस ऋषभ के पापा भी इसी चीज़ को टेंशन ले रहे हैं। मैंने उनको बोला भी था कि यार अपन देख लेते हैं बट ऋषभ के पापा ने बोला कि अब चलो उजाड़ हो भी जाएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, आगे जाके ही देखेंगे। पैकिंग तो अच्छी करी थी इसकी, थर्माकोल भी तो लगाया, थर्माकोल वगैरह सारी चीजें लगाई है। तो गाइज आधे घंटे के अंदर अंदर हम जयपुर पहुंचने वाले हैं। और ऋषभ का सीन है, मैंने अभी जस्ट नीतसा से बात करी थी, नीतसा ने बोला है कि भाभी साहब उसने खाना भी खा लिया और आप पहुंचोगे तब तक वो सो जाएगा, तो आप एक काम करना सुबह आ जाना ऋषभ को लेने के लिए। और हमारा जो मंदिर है ना
उसका मैं आपको बताती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही क्या हुआ था, ऋषभ के पापा को ब्रेकर दिखाई नहीं दिया, अचानक से ब्रेकर आ गया था। फिर है ना, मतलब ऐसे हमें लग रहा है कि भाई उजाड़ नहीं हो जाए मंदिर का, वो आगे एक डेढ़ घंटे में हम पहुंच जाएंगे ना, फिर उसके बाद में पता चलेगा। तो आप सब भी प्रे करना गाइज कि हमारा जो मंदिर है वो सही सलामत पहुंचे। मतलब जब से है ना वो अचानक से आया था ना वो ब्रेकर, ब्रेकर के आने के बाद में अब पत्थर की सी आवाज आने लग गई। तो देखते हैं क्या होता है, जो कि हमें तो आधे घंटे बाद में पता चल जाएगा और आप सबको कल के व्लॉग में पता चलेगा। होप सो आज का व्लॉग आप सबने इंजॉय किया होगा। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। बाय, गुड नाइट। यश्विनी आप भी कर दो बाय। बाय बोलो, बाय बोलो, बाय बोलो। बाय। यश्विनी ने भी बाय कर लिया। और ये जो गलती है ना, ये ऋषभ के पापा से हुई है। देखा दिगानी घर जार के हुए है ऋषभ का पापा। बताओ, देखो क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? घर जाके बोलेंगे, घर जाके बोलेंगे। हमारे ऋषभ के पापा का मुंह उतर गया। ऋषभ का पापा ये कह रहे कि भाई वो मंदिर का उजाड़ हो जाए ना, थोड़ा सा वैसे अशुभ माना जाता है ना इस चक्कर में। और तो क्या है, आप सभी प्रे करना कि हमारा जो मंदिर है वो सही सलामत घर पे पहुंचे। वैसे तो तीन पार्ट में उन्होंने पैक किया था, थर्माकोल वगैरह भी सारी चीजें भी लगाई, तो मतलब ऐसे फील तो हो रहा है कि नहीं यार सही पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है,